पहले अपना नाम बताइए और अपने एनजीओ का नाम बताइए और नेक्स्ट आप किस तरह का अवार्ड कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है सुदर्शन सोलंकी, मेरा एनजीओ का नाम है इंडियन मार्शल आर्ट। मेरा एनजीओ 40 साल से काम कर रहा है, 1986 में मेरा रजिस्ट्रेशन है IMA नाम से, और ये छत्रपति शिवाजी अवार्ड हम गए 12 साल से कर रहे हैं, इसमें 2 साल कोरोना की वजह से हमने नहीं किया है। इस साल मतलब इस साल हम सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन्स एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलाब्रेशन करके ये अवार्ड फंक्शन इस्कॉन टेम्पल ऑडिटोरियम व्यू मुंबई में कर रहे हैं 27 मई को 4:30 बजे से 8 बजे तक का। तो हर साल हम इस अवार्ड में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े सोशल वर्कर, ये सभी लोगों को हम अवार्ड देते हैं। इस साल भी हम कुछ 25 अवार्ड दे रहे हैं। अपने कुछ जाने माने बड़ी हस्तियाँ हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है और फिर हमारे फिल्म स्टार जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके हाथों से कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। तो 27 मई 2022 को यह अवार्ड फंक्शन है। तो अवार्ड फंक्शन में जो आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी होंगे, आप पॉलिटिशियन होंगे, तो किस तरह से आपने मैनेज किया उन लोगों को अवार्ड, और किस किस कैटेगरी में अवार्ड होगा? ये तो मैं 10 साल से गए 10 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ। 2012 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेहुल कुमार जी थे, आनंद बख्शी थे, आनंद जी कन्हैया जी, आनंद जी थे, ये सब लोगों को दिया था। फिर तुम सुषमा शिरोमणि थे, ऐसा करते करते सारे बड़े बड़े स्टार भी आए। फिर कुछ प्रेम चोपड़ा, रंजीत थे, ये सब आए, अनूप जलोटा भी आए, फिर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है रामदास जी अठावले, ये भी आ चुके हैं। तो इस वक्त और भी कुछ अवार्ड के लिए लोग बुला रहा हूँ जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। तो 2 साल से आप कहाँ थे, क्या किया आपने कोरोना की वजह से? थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो अपने एनजीओ ने बहुत से कोरोना में बहुत से लोगों को मदद की है, लेकिन ये मदद बोली नहीं जाती है, तो थोड़ा सा अपना अपमान होता है। हर एक का किसी को हम मदद करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है कि हम किसी को मदद कर रहे हैं। थैंक यू सर। पहले आपका नाम बताइए और किस चीज़ों से जुड़ी हुई हैं आप? जैसे आज एनजीओ का फंक्शन है और एक अवार्ड फंक्शन का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप यहाँ कैसे, किस एनजीओ से कैसे जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम पल्लवी सिंह हाड़ा है और मैं एक्ट्रेस हूँ, और मैं इनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई हूँ। हैकर करके इनका मूवी है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा करेक्टर है तो उस पर काम करने की तैयारी चल रही है, और अवार्ड शो पर भी जुड़ने की कोशिश है, देखते हैं आगे। आपने बॉलीवुड का नाम लिया, आप एक्ट्रेस हैं, तो आप क्या क्या कर चुकी हैं अब तक? जी, मैंने क्राइम अलर्ट किया है और एक नसीब मूवी की है, भोजपुरी है, और एक और मूवी की है, अभी तक वो रिलीज़ नहीं। ओके, आप किसको मान के यहाँ तक इंडस्ट्री में आई हैं, कैसे आई हैं, आप कुछ बताएंगी? इंडस्ट्री में आई हूँ तो स्ट्रगल किया है, ये बोल सकते हैं मेरा फेवरेट कौन है। हाँ, आपका फेवरेट कौन है, स्ट्रगल करके यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरे फेवरेट सलमान खान है, और स्ट्रगल अभी भी चल रहा है एक तरीके से, और यही बोल सकती हूँ सुदर्शन सर के सपोर्ट से यहाँ तक। ओके, और आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? अभी तो वेब सीरीज का और मूवी का चल रहा है, देखते हैं, साउथ का भी वो कह रहे हैं, देखते हैं आगे आगे, सरप्राइज देते हैं ना फिर सब, अभी बोल दूंगी तो फिर आगे क्या मजा आएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन दीजिए आपका और बताइए कि जो अवार्ड शो हो रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका है? मैं डॉक्टर हाशिम अली बैकुला से है, और पिछले 30 सालों से मैं क्लिनिक चला था। मैं इमा के साथ में जुड़ गया इंडियन मार्शल आर्ट्स का जो है पिछले 30 साल से, और इन लोग जो गरीब लोगों को जुड़ो कराटे ये वो लड़की लोग को सिखा दे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर हम सब जन का योगदान है। और अभी हम लोग ने एक हमारी खुद की सोसाइटी जो बनाई हुई है, हमारा सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेंस एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेन इसका कॉज ये है कि औरत लोग को डेवलप करने के लिए, औरत लोग को इंस्पायर करने के लिए कि किस तरीके से होता है। एक वक्त वो था कि औरत घर के बाहर नहीं जाती थी, अभी हमारे जो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई एक लड़की लोग ब्लैक बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, येलो बेल्ट है, और आज इन लोग कोई भी मर्द का मुकाबला कर सकते हैं बाहर। उसी तरह हम लोग ये अवार्ड इसलिए दे रहे हैं अभी कि जो नए इंस्पिरेशन की जो औरत लोग हैं, मर्द लोग हैं, और जो नए एंटरप्रेन्योर लोग हैं,
हम इनको आवर दे रहे एंकरेज करने के लिए, और हम लोग हमारे शो के अंदर उन लोगों को बुला रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये लोग कौन है जो सक्सेसफुल है? ये वो लोग है जो स्लम एरिया से, गरीब फैमिली से, बहुत गरीब तबके के साथ है। तो ये इनके लिए इंस्पिरेशन रहेगा जो नए नए एंटरप्रेन्योर या नए बिजनेस चालू करने वाले, ये उनके एनकरेजमेंट के लिए। और इसके लिए हम लोग ने बहुत कोशिश की है, पिछले 6-7 महीने से हम लोग सब रिसर्च कर रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं। अभी 27 मई हम लोग जो इस्कॉन के अंदर उनका जो ऑडिटोरियम है वहाँ 4:30 बजे हम लोग ये रखेंगे। और हम लोग ये चाह रहे हैं अभी कि ज़्यादा फिल्म सेलिब्रिटीज़ ये वो हो, तो लेने वाले अवार्ड वाले को भी बहुत अच्छा लगे कि हम लोग कोई फिल्म सेलिब्रिटी बड़े आदमी के साथ ले रहे हैं। और हम खुद भी फिल्मी दुनिया के अंदर भी काफ़ी लोगों को हम लोग अवार्ड देने वाले हैं अच्छा चीज के लिए। तो हमारा मेन कॉज ये है कि हम लोग लोगों को हमारे समाज के लिए, बिजनेस के लिए इनक्रेज करने के लिए हम लोग ये अवार्ड दे रहे हैं। सर, इस अवार्ड शो के बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट्स ये है, क्या जो नए ऑर्गेनाइजेशन है, जो नए लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, ये उनके लिए इंस्पिरेशन है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। जब ये अवार्ड, जब एक छत्रपति शिवाजी अवार्ड, शिवराज छत्रपति मुद्रा अवार्ड जो मिलेगा लोगों को, इसका जो स्टैंड ये अवार्ड है सेलिब्रिटी के नाम से, जब इन लोग हाईलाइट करते हैं इनके दुकान के बाहर या इनके कारोबार के बाहर, तो वो लगाएंगे, 4 दिन जब देखते कहते हैं गॉट दी अवार्ड, जो शिवाजी अवार्ड है, तो ये उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। 4 दिन के देखने वाले के नज़रिए बढ़ जाएंगे। वो अवार्ड उसी को दिया जाता कि जो सबसे सक्सेसफुल है, आज उनके लिए इंस्पिरेशन है, उनके लिए एक बिजनेस बढ़ेगा और दूसरे लोग को भी ये लगेगा कि हमने ऐसा कुछ काम करना जिससे उनको भी अवार्ड मिले। अवार्ड सब जगह का एक ही मतलब होता है कि एनकरेजमेंट, 4 जन को उनका रिकग्निशन मिले, आदमी सक्सेसफुल है और वो ऐसा बढ़ गया। अभी हम लोग फिल्मी दुनिया है, बहुत फेमस है, फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, स्क्रीन अवार्ड और इतने बहुत अवार्ड्स है, इसके अंदर स्टार लोग भी बाकायदा बोलते हैं इट्स वेरी नाइस, वो अवार्ड हाथ में लेके बोलते हैं वी आर वेरी हैप्पी, ये हमारे एनकरेजमेंट है, ये वो है। उसी तरह छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग के लिए एनकरेजमेंट रहेगा। सर, ये कैटेगरी वाइज होगा कि आप कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र या पुणे ही कर रहे हैं? अभी फिलहाल के अंदर हम लोग महाराष्ट्र कर रहे हैं और ये कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। हमने 50 कैटेगरीज अलग बनाई हुई है, खास आई स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है। महाराष्ट्र मतलब खाली मराठी मानुस होंगे अवार्ड लेने वाले? नॉट नेसेसरी। आप यूपी बिहारी कितने जन वेल एस्टेब्लिश है, कितने फिल्मी दुनिया के अंदर है, बिजनेस है उनका, बड़ा एंटरप्रेन्योर्स है। आपकी क्या भूमिका है उसमें, आपके एनजीओ की क्या भूमिका है? क्योंकि ऑलरेडी ये 12 साल से अवार्ड हो रहा है जिनके साथ आप जुड़े हैं, आप क्या भूमिका इसमें निभा रहे हैं? ये इतने साल तो है इंडियन मार्शल आर्ट वो कंडक्ट करता था, ये फर्स्ट टाइम है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट किए। अब इसके अंदर ऐसा हो गया कि हमारी कमेटी है और ये कमेटी ने सेलेक्ट किया हुआ है सब लोगों को। मेरी भूमिका ये है कि कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करने, और जो इम्पा के ये जो इंडियन मार्शल आर्ट्स के जो सब चेयरमैन है, सर सेक्रेटरी या जो भी करता रहता सुदर्शन जी है, इनके साथ तो मैं कोऑर्डिनेट करके, ये हमारे लिए तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है। तो कितने, तो ये प्रोग्राम जैसे आपका फर्स्ट है, इसमें लोग किस कैटेगरी के होंगे, यंग होंगे या ओल्ड होंगे? सब 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 ये सब कैटेगरी। कितने लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है? कम से कम 70 लोग का प्लान है हमारा। आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, एसएससी डॉक्टर से लेके इन्फ्लुएंसर तक, यस 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 यस, एवरीवन। जो पॉलिटिकल भी होंगे उसमें? नहीं, पॉलिटिकल को हम लोग हमारे तरफ से खाली उनको रिकग्निशन करके देंगे, हम लोग उस तरीके से नहीं देंगे कि भाई दे आर द बेस्ट। वो हम लोग जज नहीं कर सकते, ना ही हमारे अंदर वो लाइक है कि उनको जज करें, लेकिन हम उनके इज्जत के लिए या बुलाएंगे और ज़्यादा करके हम उनका भी सत्कार करेंगे, उनको अवार्ड से नवाजेंगे। बट ये वी आर नॉट द पर्सन टू जज, दे आर द बेस्ट पॉलिटिकल पर्सन। थैंक यू सर। थैंक यू।